मेरठ उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यूं तो आप यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई उद्योगों से रूबरू हो सकते हैं, लेकिन अगर इस लिस्ट में कैंची का जिक्र ना किया जाए तो मेरठ मुकम्मल नहीं होगा, यानी मेरठ की तारीफ पूरी नहीं होगी। दुनिया की सबसे पुरानी कैंची की दुकान से लेकर मेरठ की कैंची केन्या, जापान, रूस और सऊदी अरब जैसे देशों में विख्यात है। ये हैंडल लगकर आया आज, और इसके बाद जो है ये एक एक कारीगर के पास जाएगी, लगभग 24-25 कारीगरों के हाथ से जाके ये बस तैयार होती है। इसकी बुनियाद मेरे परदादा हाजी मौला बख्श ने डाली थी। आज इसमें लगभग 20,000 आदमी लगा हुआ है। हाजी मौला बख्श ने 1800 में इसकी का पहला कारखाना जनरल सीजर फैक्ट्री के नाम से स्थापित किया मेरठ के अंदर। उसके बाद उस वक्त 2-4 आदमी इसमें 5-7 आदमी जुड़े हुए थे उनके साथ। आज लगभग 20,000 आदमी इस काम से रोजी रोटी कमा रहा है। कुछ साल पहले तक ये बाजार बहुत बड़ा था, लेकिन पिछले सालों में चाइनीज कैंची का आयात शुरू होने से देसी कैंची की पकड़ कमजोर हो गई। एक दौर था जब कैंची बाजार इलाके में शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहां कैंची वाले काम की गर्द ना उड़ती हो, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने इसे अंतिम सांसें गिनने को मजबूर कर दिया है। आज भारत में चाइनीज कैंची का सालाना कारोबार लगभग 60 करोड़ का है, वहीं मेरठ की कैंची 40 करोड़ पर सिमट गई है। यहाँ की कैंची काफी टिकाऊ भी होती है। इसके बारे में एक कहावत थी, दादा ले और पोता बरते। तलवार की डिजाइन को कैंची में तब्दील कर देने का हुनर सिर्फ मेरठ में है, यानी तलवार से कैंची बना देने का श्रेय मेरठ के कारीगरों को जाता है। लुप्त होती मेरठ की कैंची को अब धार की जरूरत है। Thank you.